हेलो फ्रेंड्स माई साल डॉक्टर योधा चंद्राकर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ निदान एवं विकृति विज्ञान टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसीज़ जिसमें जो इन चाइल्डहुड भी हो सकती है इन अर्ली एज भी होती है या फिर आफ्टर दी थर्टी या फिर थर्ड डिकेट भी हो सकती है बट जो ब्रोंकियल अस्थमा होती है वो एक जो रेस्परेटरी यूनिट होती है इसमें कोई डिफॉर्मिटी के कारण होती है इसमें जो होते हैं वो एलर्जिक एंड एक्सटर्नल इंटरनल बोथ फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो हम देखते हैं इसमें ब्रोंकियल अस्थमा मीन्स यहाँ पे ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके कारण होता है ब्रोंकियल अस्थमा तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन अस्थमा इज़ डिफाइंड एज अ क्रॉनिक इन्फ्लैमेटरी डिसीज ऑफ एयरवेज़ एयरवेज मतलब जो एलविलाई होती है डक्ट होता है जो यूनिट होती है उसमें कॉज्ड बाई इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दी ट्रैक्योब्रॉन्कील ट्री टू अ वाइटी ऑफ स्टमलाई एंड करक्टराइज बाई एपिसोडिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज विच इज़ रिलीव्ड स्पॉन्टेनियसली और बाई थेरेपी मीन्स अस्थमा जो होती है क्रॉनिक एन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है अर्थ मीन्स इसमें जो एयरवेज होती हैं उसमें इंफ्लेमेशन हो रहा है जो एयरवेज होती हैं एलविलाई होती हैं या जो ब्रोंकस होती है इसमें जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं जो एपीथीलियम होती है सब में कोसल इपीथीलियम होती है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है जो कि ये ट्रैक्यो ब्रॉन्कील ट्रीज होती है उसके इंक्रीज रिस्पॉन्स के कारण होती है और ये इंक्रीज रिस्पॉन्स किसके कारण होता है एनी स्टिमलाई या फिर कुछ जो एपिसोडिक मतलब बार बार कोई एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण जो एयर पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है तो एयर पैसेज के नैरो होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कारण या किसी एस्टेमलाई के कारण जो होता है वो इंक्रीज रिस्पांस देखने को मिलता है ट्रैक्योब्रेंक्यूल ट्री के द्वारा तो इसके कारण जो होती है जो हमारी जो मतलब हम जब साउंड सुनते हैं ऑस्कल्टेशन साउंड सुनते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट मतलब नॉर्मल साउंड से भी एक अदर जो होती है एडेड साउंड हमको यहाँ पे सुनाई देता है और ये जो होती है वो धीरे धीरे ठीक तो हो जाती है बट कभी कभी ये थेरेपी भी ठीक होती है बट समाइम्स के बाद ये फिर से रियकर हो सकती है देन हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो अस्थमा में हमको ट्राइड ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं डिस्निया कफ़ एंड वीजिंग डिस्निया मीन्स जो वो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कम होता है उसे ब्रेथलेस नहीं होता है प्रॉपरली वो जो होता है, है वैक्सपेरेशन एंड नहीं कर पाता एंड सेकंड होती है कफ देन थर्ड है वीजिंग वीजिंग मीन्स ये जो है एडेड साउंड है जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स होती हैं नॉर्मल लंग साउंड होती है उसमें एक एडेड साउंड मिलेगा हमको वीजिंग जिसमें कि सीटी के बजने के समान आवाज़ आनी तो ये जो वीजिंग होती है ये हमको पर्टिकुलर ब्रोंकिल अस्थमा में मिलती है तो डिस्निया कफ एंड वीजिंग जो होते हैं ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि अस्थमा में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं दीज अटैक्स स्टार्ट विथ अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट और इसमें जब अटैक होता है मतलब जब अस्थमेटिक अटैक होता है तो चेस्ट जो होती है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है उसमें और नॉन प्रोडक्टिव कफ के साथ होती है मीन्स इसमें सूखी खांसी आ रही है कोई वेट कॉफ या स्पूटम जो होता है वो एस्क्रिट नहीं होता समटाइम्स दिस अटैक मे बी अनरिमिटिंग एंड परसिस्ट फॉर डे और वीक्स दिस इज टर्म्ड एज स्टेटस एस्थेमेटिकस ये जो एस्थेमेटिक अटैक होता है अगर ये अनरिमिटिंग मतलब कि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है रिटर्न रह जा रहा है और बहुत दिनों तक मतलब डेज तक या वीक तक तब इसे स्टेटस एस्थेमेटिकस कहते हैं अदरवाइज ये नॉर्मल ब्रोंकियल अस्थमा है देन हम देखते हैं इपिडीमियोलॉजी अगर हम इसकी पेडीमोलॉजी देखें तो इट इज़ कॉमन इन वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड में ये कॉमन होता है एंड यू में जो फोर पॉइंट फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो होती है सफ़र करती है अस्थमा से मेनली अर्ली एज ग्रुप में होता है मतलब कि चिल्ड्रन्स में डायग्नोस हो जाता है और अगर इंडियन चिल्ड्रंस की बात करें तो जो एज ग्रुप होती है फ़ाइव टू इलेवन ईयर इसमें हमको टेन टू फिफ्टीन परसेंट ब्रॉकल अस्थमा जो होती है वो दिखती है मतलब उसका प्रवेलेंस हमको यहाँ पर मिलता है देन आफ्टर अगर इंसिडेंस ऑफ अस्थमा बोलें तो इंसिडेंस ऑफ अस्थमा जो होती है वो आजकल देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही है मतलब इसमें जो होते हैं परसेंटेज होती है, परसेंटे है उसमें इंक्रीज़ हो रही है मतलब रोंकिल अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं वो हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इसका रीजन पॉल्यूशन भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं एलर्जिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं देन आफ्टर हम देखते हैं टाइप अस्थमा इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेजर कैटेगरीज़ फर्स्ट है इसमें एक्सट्रेंसिक अस्थमा जिसको एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं तो जो एलर्जिक अस्थमा है मीन्स कोई एलर्जेंस या बाहर से जो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है इसके कारण एक्सटेंसिक का अस्थमा हो रहा है तो इसको सब टाइप में देखेंगे तो फर्स्ट है एटॉपिक अस्थमा एटॉपिक अस्थमा।, अस्थमा जो होती है वो चाइल्डहुड से मतलब बचपन से ही डायग्नोस हो जाएगी देन सेकंड है ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल मीन्स कोई ऑक्यूपेशन न कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो सिलिकॉन की फैक्ट्री है कि वो पेपर है, पेपर इंडस्ट्री है कि वो शुगर इंडस्ट्री है मतलब कैसे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं सिलिकॉन की है ब्रुसेलिस है मतलब ऐसे जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण अगर जो एयर वे पैसेज होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा एंड थर्ड है एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी अस्थमा ड्यू टू एस्परजिलोसिस एस्परजिलोसिस एक फनजाई है मतलब फंगस है अगर ये जो होता है वो जब लंग के लोब्स में जाके वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाता है वहाँ पे रह जाता है तो उसके कारण जो एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी अस्थमा मिलता है मीन्स ये जो एटोपिक है ऑक्यूपेशनल है एलर्जिक है ये तीनों जो होते हैं उसमें टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो थ्री फोर टाइप्स की होती है वन टू थ्री एंड फोर जो लास्ट फोर वाली होती है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है और जो स्टार्टिंग की थ्री होती है वो जो होती है वो टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री इसमें कुछ आवर्स रहते हैं जैसे कि कुछ होते हैं वो इमीडिएट होती है नैन टाइप वन है ट्वेल्व आवर्स में हो रही है सेवन टू एट आवर्स में हो रही है कि ट्वेंटी फोर आवर्स में हो रही है सेवेंटी टू आवर्स में हो रही है तो इस अकॉर्डिंग टू हाइपर सेंसिटिविटी को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है फोर तो ये जो एक्सटेंसिव अस्थमा होती है इसे मेनली टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स एलर्जिक फैक्टर्स होते हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं देन सेकेंड है इसमें इंट्रेंसिक अस्थमा इंट्रेंसिक अस्थमा जो होती है वो आइडियोसिंक्रेंटिक अस्थमा होती है मीनस इसमें जो होता है वो रीज़न मतलब रेस्पिरेटरी जो यूनिट होती है उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है इसके कारण मिलती है और इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं कि उसके इपिथीलियाम में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको एग्रावेट कर रहे हैं एंड थर्ड टाइप भी कहा गया है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड अस्थमा जिसमें कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं देन हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो जो एटोपिक अस्थमा होती है नॉन एटोपिक अस्थमा में क्या डिफरेंस है तो एटोपिक अस्थमा इट इज़ अ टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी विच इज़ आई मीडिएटेड जो आई जी ई एक इमिनोग्लोबिल ई है ये जो होता है किसी भी एलर्जिक फैक्टर्स में बढ़ता है तो ये जो आई जी ई इमीडिएटेड रहेगी देन जो नॉन एटोपिक अस्थमा होती है वो आई जी ई इमीडिएटेड नहीं होती है इसका रीज़न होता है ड्यू टू लॉवरिंग ऑफ दी थ्रेसोल वैल्यू ऑफ सब एपिथीलियल वेगल रिसेप्टर इट लीड्स टू हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ दी ब्रोंकस मीन्स जो वैगल रिसेप्टर होते हैं एपिथीलियम में उनकी जो भी एक थ्रेसोल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है उसके कम होने के कारण जो ब्रोंकस होती है उसमें हाइपर इरिटेशन होता है और ये जो हाइपर इरीटेशन होती है वो अस्थमा को कॉज करती है तो एटॉपिक अस्थमा में हमको आई का लेवल हाई मिलेगा एंड नॉन एटॉपिक में नॉर्मल मिलेगा अगर हम एक पॉजिटिव ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं तो ये कॉमन मिलती है हमको एटॉपिक अस्थमा में बट नॉन एटोपिक में ये लेस कॉमन है जो एटॉपिक अस्थमा होती है बिकॉज ऑफ एलर्जिक फैक्टर सो इट इज़ ट्रिगर्ड बाई इन्वयमेंटल एलर्जन बट जो नॉन एटोपिक अस्थमा होती है वो ट्रिगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन मीन्स जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो मेनली कॉज करते हैं नॉन एटोपिक अस्थमा को लेकिन जो एलर्जिक फैक्टर्स होते हैं एलर्जेंस होते हैं वो इन्वयरमेंटल एलर्जेंस होते हैं ये सभी ट्रिगर करते हैं मतलब बढ़ाते हैं एटोपिक अस्थमा को देन है इसमें एज ऑफ ऑनसेट अगर एज ऑफ ऑनसेट देखें तो एटोपिक अस्थमा हमको चाइल्ड हुड से डायग्नोस हो जाती है मतलब मेनली चाइल्ड हुड में देखने को मिलती है बट जो नॉन एटोपिक अस्थमा होती है वो एडल्ट एज में हमको मेनली देखने को मिलती है एसोसिएटेड डिसीज़ की बात करें तो एटोपिक अस्थमा में कोई भी एसोसिएटेड डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होता बट जो नॉन एटोपिक अस्थमा होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं मीन्स जो अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो दूसरे और अदर सिस्टेमिक डिसऑर्डर होते हैं उसके साथ में एसोसिएट होकर ये जो नॉन एटोपिक अस्थमा होती है वो हमें मिल सकती है बट एटोपिक अस्थमा का रीजन जो होता है वो ऐसा नहीं होता अगर हम ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें मीन्स हम जो भी ड्रग लेते हैं तो उसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जस्ट लाइक एस्पिरिन इसको लेने से इससे हाइपर सेंसिटिविटी से जो अस्थमा हो रहा है मतलब एलर्जी हो रहे हैं तो ऐसा जो होता है वह अटॉपिक में नहीं होता बट जो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो प्रेजेंट होती है नॉन अटॉपिक अस्थमा में स्किन टेस्ट विथ एलर्जन अगर हम देखते हैं तो वो हमको पॉजिटिव मिलेगा अटॉपिक में एंड नेगेटिव मिलेगा नॉन अटॉपिक में क्योंकि जो अटॉपिक है उसमें आई जी लेवल मास सेल्स ये सारे जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं बट नॉन अटॉपिक में नहीं होते देन आफ्टर हम देखते हैं पैथोजेनेसिस तो पैथोजेनेसिस में हम फर्स्टली देखते हैं एटॉपिक अस्थमा एटॉपिक अस्थमा मीन्स एलर्जिक तो इसमें जो इन्वायरमेंटल एजेंट्स रहेंगे जैसे ग्रेन्स हो गए फूड हो गए हाउस डस्ट हो गई एनिमल डेंडर्स हो गए मॉल्स हो गए तो इन चीज़ों से हमें जो होगा वो क्या होगा अफेक्ट होगा एलर्जिक होगा ये तो ये इन्वायमेंटल एजेंट्स होते हैं वो एलर्जिक फैक्टर के रूप में काम करते हैं देन सेकेंड है ऑक्यूपेशनल जैसे स्टिम ऑक्यूपेशन में जो मतलब किस ऑक्यूपेशन किस फैक्ट्री किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो ये स्टीमुलेटेड होता है वहाँ के फ्यूम से गैसेस से ऑर्गेनिक जो डस्ट होते हैं या केमिकल डस्ट होते हैं मतलब वो किस टाइप की इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पे जो होती है वो सिक्रेट आउट हो रही है वहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही है मतलब इन्वामेंट में फैल रही है तो वो किसे स्टिमुलेट करती है तो इस प्रकार से वो एग्रावेट करेगी ऑक्यूपेशनल अस्थमा को देन एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड बाई आई जी ई सेंसिटाइज मास्ट सेल जैसे बोला गया इसमें कि अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी में जो आई होते हैं उसको सेंटिसटाइज जो सेल होते हैं मतलब जो मास सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो इनिशिएट होते हैं तो डायरेक्टली ये मास सेल्स होता है वो बाहर के जो एलर्जेंस होते हैं उसको अपने रिस्पॉन्स सो करते हैं और वो रिस्पॉन्स मेनली सो होता है म्यूकोसल सर्फेस पर अब जब म्यूकोसल सर्फेस पर ये रिस्पॉन्स होगा तो ये मास सेल्स जो होते हैं वो कुछ रिलीज़ करते हैं मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन ल्यूकोट्रीन प्रोस्टाग्लैंडिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर कीमोटैक्टिक फैक्टर तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो ईसिनोफिल्स के लिए न्यूट्रोफिल्स के लिए रिलीज़ होते हैं और ये रिलीज़ कौन करता है सेल्स जो मास सेल्स होती हैं मतलब जो बेसोफिल्स होती हैं ये सभी चीज़ें रिलीज़ कर रही हैं और इससे आई जी जी जो होता है वो सेंसिटाइज हो जाता है म्यूकोसल सर्फेस पर और इसलिए एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स हमको मिलता है अगर इन अर्ली फेज़ में देखें तो दीज आर मैनिफेस्टेड इन सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो ये जो रिस्पॉन्स होता है इसके कारण क्या क्या चीज़ें होती है तो फर्स्ट होगा इसमें सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन दैन एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड म्यूकस प्लगिंग ऑफ ब्रोंकस दैन थर्ड है वोसो डेलेटेशन एंड फोर्थ है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी मीन्स जो एलर्जिक फैक्टर होते हैं वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा एयर पैसेज जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी प्रॉपर जो होती है वो एयर जो होती है वो पास नहीं हो पाएगी एयर वो डिस्टर्ब होगी दैन जो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो म्यूकस प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण वहाँ पर म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाते हैं ब्रोंकस में और ये म्यूकस प्लग जो फॉर्म हुए हैं वो भी इस ब्रोंकस को ऑबस्ट्रक्ट करते हैं मतलब कि प्रॉपर जो एयर वे हो होते हैं उनके जाने के जो रास्ते होते हैं उनको जहाँ से वे होना चाहिए जितने भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड्स जो भी चीज़ें उनको एक्सेलेट आउट करनी है जो एक्सपैरेशन इंस्पायरेशन होना है ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ म्यूकस प्लग देन वॉस ऑफ डायलटेशन ये जो वेसल्स को डायलेट करती हैं और उसकी वेस्कुलर परमिबिलिटी को भी इंक्रीज करती है ये तो अर्ली फेज़ में हुआ बट अगर लेट फेज में हम देखते हैं तो इसमें सम स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ ड्रॉन्कस सीन लाइक फर्स्ट है इसमें अल्सरेशन ऑफ़ दी ब्रोंकियल इपिथीलियम मीन्स जो ब्रोंकस की इपिथीलियल सेल्स होती उसमें Then, है उसमें अल्सरेशन मिलेगा देन हाइपर ट्रॉफी ऑफ ब्रोंकीअल सब्यूकोसल ग्लैंड जो ब्रोंकस में सबम्यूकोसल ग्लैंड होते हैं उसमें हाइपर ट्रॉफी देखने को मिलती है थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनेस हो जाएगी हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लेसिया ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें हाइपर ट्रॉफी के साथ में हाइपर प्लेसिया भी मिलती है मीन्स नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे एंड साइज़ ऑफ़ सेल्स भी बढ़ेंगी देन आफ्टर ए फाइब्रोसिस बिलो दी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे फाइब्रोसिस भी हमको यहाँ पे मिलता है तो ये जो पांच स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हमको मेनली इसमें देखने को मिलते हैं कि ब्रोंकियल ब्रॉन्केबिलिया में अल्सरेशन मिलेगा म्यूकोसल म्यूकोसलैंड में हाइपर मिलेगी स्मूथ मसल्स में हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लेसियाँ मिलेगा देन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें थिकनेस मिलेगी और उसके नीचे जो होती है हमें फाइब्रोसिस भी मिलती है देन हम देखते हैं नॉन एटॉपिक अस्थमा ये जो होती है एलर्जिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो जो नॉन एटॉपिक अस्थमा होती है वो मेनली वायरल एंटीजन से ट्रिगर्ड होते हैं जैसे हमने बताया लास्ट स्लाइड्स uh, पे तो इसमें है राइनो वायरस पैरा इन्फ्लुन्जा वायरस एंड इन्वरमेंटल पॉलिटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ओजन हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया ये सारी चीज़ें जो होती है वो नॉन एटोपिक अस्थमा को कॉज करती है देन है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा सन ड्रग्स होते हैं लाइक एस्प्रीन टार्ट्राजीन सल्फेटिंग एजेंट्स बीटा एड्रनर्जिक एंटागोनिस्ट ये जो होते हैं वो ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा को कॉज करते हैं क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे वॉसोडाइल्टेशन कर देंगे और ये अस्थमा जो होती है वो में चेंज हो जाती है ऑक्यूपेशनल अस्थमा में देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा में जैसे इसमें भी एलर्जिक फैक्टरी था तो टाइपन हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही हमें ये अस्थमा देखने को मिलेगी देन लास्ट है एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड अस्थमा अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेस में हैं तो इसमें जो वैगल नर्व स्टिमुलेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वैगल नर्व स्टिमुलेशन के इंक्रीज़ होने के कारण जो होती है मतलब जो सिस्टम होती है मतलब एडिन नॉन एडिन जो होती है उनका रिलीजिंग एक्शन डिस्टर्ब होगा इन सभी चीज़ों का डिस्टर्ब होने के कारण जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यह अस्थमा को कॉज कर सकता है या इंड्यूस कर सकता है देन आफ्टर हम देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी मीन्स जो पैथोजेनेसिस होती है पैथोलॉजी होती है इसमें हमें कौन सा अपीरियंस देखने को मिलता है तो फर्स्टली हम देखते हैं ग्रॉस अपीरियंस तो ग्रॉस अपीरियंस में द लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड विथ एयर एंड एयरवेज आर फिल्ड विथ थिक टीसियस एंड एड्रेंट म्यूकस प्लग मीन्स लंग जो होंगे ओवर डिस्टेंडेड फैले हुए मिलेंगे और जो एयर एंड एयरवेज होते हैं वो फिल्ड हो जाएंगे म्यूकस से और कैसे म्यूकस है वो थिक रहेगा एंड टीनेसियस मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो थिक म्यूकस रहेगा तो वो डाइल्यूट नहीं हो पाएगा और उसको पूरी तरह से वो उसमें चिपके हुए रहते हैं एंड कवर कर देंगे देन देयर मे बी स्मॉल एटेलैक्टिक पैचेस और इसके कारण हमको वहाँ पर बीच बीच में जो पैचेस मिलेंगे और ये एटेलैक्टिक पैचे ऐसे दिखते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली एयर नहीं जा पा रहा है इसके कारण ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है देन आफ्टर अ माइक्रोस्कोपिक अपीरियंस माइक्रोस्कोपिक अपीरियंस में हम जब देखते हैं तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकीोल्स आर प्लगड बाई थिक म्यूकस एंड दिस म्यूकस प्लग कंटेन डिसक्वेमेटेड ब्रोंकिअल इपिथीलियल सेल्स यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है तो ये जो चीज़ में चेंज जाती है इसकोमेटेड एपिथेलियल सेल्स में क्योंकि ये म्यूकस प्लग जो होती है वो इसको वहाँ की सेल्स जो होती है उसको क्या करती है वहाँ पर पेनाट्रेट करती है रोड करती है तो ये जो होती है वो म्यूकस होती है वो यहाँ पर इसको चेंज कर देगी मतलब म्यूकस एपीथीलियल जो होती हैं वो चेंज होने लगती है उसका फॉर्म चेंज होने लगता है एंड दिस नॉट ओनली द प्लग दी ब्रॉन्कीोल्स बट ऑल्सो द डक टॉप सब एपीथीलियल म्यूकस ग्लैंड ये जो म्यूकस प्लग होती है वो सिर्फ ब्रोंकियोल्स में है ऐसा नहीं है वो वहाँ पे प्लग बस ना बनाकर वहाँ पे एक डक्ट बना देती है और ये डक्ट कहाँ पे बनाती है सब इपिथीलियल म्यूकस ग्लैंड्स में और सब इपिथीलियल म्यूकस ग्लैंड्स में इस प्रकार से म्यूकस प्लग के साथ में जो होती है वो डक्ट का फॉर्मेशन हो गया और ये जो डक्ट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वो क्या होता है दीज आर स्पायरल एंड ट्विस्टेड स्ट्रिप मतलब एक स्पायरल या फिर जो ट्विस्टेड स्ट्रिप्स होती हैं वो जैसे दिखती है उस सेप की दिखने लगती है दैट मीन्स इसमें बोलना चाहिए चाह रहे हैं कि जो सब इपिटीलियल सेल होती है वो स्क्वा हो गई वहाँ पे म्यूकस प्लग बन गए एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है और ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है वो चूँकि ग्लैंड में फॉर्म हुई है तो ये जो ग्लैंड होती है वो ट्विस्टेड शेप में चेंज हो जाती हैं तो ये इस ट्विस्टेड शेप को बोला गया है कॉक्स मैन स्पायरल मीन्स जो कॉक्स मैन स्पायरल होती है इसका एक मेनली इस स्पेसिफिक फीचर है स्पेसिफिक पैथोलॉजी होती है ब्रोंकियल अस्थमा की दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन आफ्टर इसमें द स्पूटम यूजअली कंटेन न्यूमेरस ईसिनोफिल्स एंड डायमंड सेब्ड क्रिस्टल डिराइव्ड दी दोसिनोफिल यहाँ पे जो होगा इस्पूटम होगा उसमें मेनली हमको बहुत सारे ईसिनोफिल्स मिलेंगे और डायमंड सेब्ड क्रिस्टल भी मिलते हैं लेकिन ये जो डायमंड सेब्ड क्रिस्टल होते हैं वो भी डिराइव होते हैं ईसिनोफिल से ही तो इसे बोला गया है चारकोट लिडन क्रिस्टल मीन्स जो स्पूटम में इओसिनोफिल हैं ये इओसिनोफिल जो होते हैं वो डिराइव्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डायमंड सेब्ड क्रिस्टल होते हैं देन दिस इज कॉल्ड चारकोट लिडन क्रिस्टल दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी इन ब्रोंकियल अस्थमा देन आफ्टर ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स माइक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट इसमें जो ब्रोंकियल वॉल में इन्फ्लेमेशन मिल रहा है यहाँ पे भी हमको लार्ज नंबर ऑफ़ ईसिनोफिल एंड लैम्फोसाइड देखने को मिलते हैं देन आफ्टर है द म्यूकोसा सो लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल एंड इन लार्ज सब म्यूकोसल ग्लैंड जो म्यूकोसा होती है वहाँ पर हमको मिलेगा जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो इंक्रीज नंबर पर रहते हैं लार्ज नंबर्स पर रहते हैं एंड सब म्यूकोसल ग्लैंड भी इन लार्ज हो जाते हैं उसमें हाइपर ट्रॉफी देखने को मिलती है देन आफ्टर है बेसमेंट मैम्बरिन जैसे हमने बताया अब यहाँ पर कि जो बेसमेंट मैमरिन होती है उसमें थिकनेस मिलेगी मतलब जो स्मूथ मसल्स होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें थिकंड हो जाती है थिकनेस मिलती है और वहाँ पे हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन में फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है मीन्स बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलता है तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक अपीरियंस ग्रॉसली अपीरियंस होते हैं ये मेनली ब्रोंकियल अस्थमा में जो ब्रोंकियल वॉल्स होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होती है इसमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कक्समैन स्पायरल एंड चॉर्कोट लिडन क्रिस्टल देन आफ्टर अ कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रेसिव ओवर डिस्टेंशन ऑफ दी लंग में प्रोड्यूस मीन्स अगर लंग जो होती है ओवर डिस्टेंडेड हो गई और ये प्रोग्रेसिव है मीन्स इसको हमने ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं ये प्रोग्रेस जो है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहती है तो एडवांस स्टेज में हमको इम्फाइसेमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकिटेसिस निमोनिया एंड कॉरपल्मल ये सारे जो डिसीज़ होते हैं ये भी मिल सकते हैं ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ द लंग डिस्टेंशन और ब्रॉन्कील अस्थमा तो एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ब्रॉन्क टेस्ट जो होती है इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है ब्रोंकियल अस्थमा की अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपर वे पे तो ये जो ब्रोंकियल अस्थमा होती है अगर हम इसको आयुर्वेद में जो हमने पढ़ा था श्वास रोग जिसमें कि तमक श्वास का वर्णन था तो तमक श्वास में भी जब कहा गया है कि वायु की प्रतलोम गति होती है होती है तो हम उसके अंदर इसको कोरिलेट कर सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा से बट फिर भी हम इसको कंप्लीट ये तमक श्वास है ऐसा नहीं कह सकते दैन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में हम इसको अगर बोलें तो ब्रोंकिअल अस्थमा की एक पर्टिकुलर कोई डायग्नोसिस नहीं होती है इसके लिए पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कहा गया है बट जो दूसरे डिसीज़ होते हैं उनसे डिफ्रेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हम कुछ टेस्ट जो होते हैं इसमें करा सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की हिस्ट्री कि पेशेंट को कब से चाइल्डहुड स्टेज से अस्थमा है कि कुछ ऑक्यूपेशन के कारण हैं अटॉपिक तो है कि नॉन अटॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोंकिल अस्थमा को समझने के लिए या उसे ट्रीट करने के लिए तो इसमें ऐसे हम हाँ एटॉपिक है तो स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे अगर स्पूटम है प्रोडक्टिव कफ है तो स्पूटम कल्चर कराएंगे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कि उसको ब्रोंकाइटिस निमोनिया तो नहीं है ब्रोंकिक तो नहीं है सीरम आई लेवल इंक्रीज़ मिलेगा बट इन एटॉपिक और एलर्जिक अस्थमा कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हमको यहाँ पे मेनली जो एब्सोल्यूट ईसिनोफिल काउंट होता है वो इंक्रीज़ मिलता है देन हम चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं बट चेस्ट एक्सरे जो होती है ओनली फॉर द डिफ्रेंसियल डायग्नोसिस इसमें हमें अस्थमा में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा एंड लास्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम कराएंगे कि लंग एक्सपेंसन तो ठीक है प्रॉपर एयरवेज कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इनको भी हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं दूसरे डिसऑर्डर से डीडी करने के लिए ही बट पर्टिकुलर ऐसे अस्थमा के लिए कोई भी स्पेसिफिक uh, इन्वेस्टिगेशन नहीं कहा गया है सभी दूसरे डिसीज़ से इसको डायग्नोसिस करने के लिए इसको डिफरेंस करने के लिए कि वो पर्टिकुलर कौन सा है इसके लिए हम ये सारी चीज़ें करा सकते हैं बट एटॉपिक अस्थमा के लिए हाइपर सेंसिटी टेस्ट आई लेवल ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग